हेलो गाइज, मेरा नाम है दिव्या शर्मा और आप देख रहे हैं टेक्नोवास की यूट्यूब चैनल। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मैं जब भी टेक से रिलेटेड वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुंच पाए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि जब आप कंप्यूटर में नेट चलाते हैं या डाटा चलाते हैं तो अधिक डाटा खाता है तो उसको सेव कैसे कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं या कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं तो अधिक डाटा खाता है, उसको सेव कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड दिए गए हैं, उसको फॉलो करके आप अपने डेटा को सेव कर सकते हैं। तो चलिए मैं बारी बारी से मेथड को बताऊंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के जो स्टार्ट का आइकन होता है उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको सर्च करना है सर्विसेस, ACRVICES। सर्विसेज सर्च करने के बाद आपको सर्विसेज का ऑप्शन दिखेगा, उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ओपन हो जाएगा कुछ विंडोज़। अब विंडोज़ ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है, W दबाए रखिए। उसके बाद आ जाएगा विंडोज़ अपडेट। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको करके दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आया है, उस पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज़ में जाना है। तो देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज़ में मैं आ गया हूँ। उसके बाद इनेबल, डिसेबल और ऑटोमेटिक अपडेट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पर आपको सिंपली डिसेबल कर चूज करना है, उसके बाद अप्लाई ओके कर देना है। उसके बाद आपको इसको कट कर देना है। कट करने के बाद आपको दूसरा मेथड है कि आप अपने कंप्यूटर के जो मेन सेटिंग होता है उस पर चले जाइए। उस पर जाने के बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस पर जाना है। आप पहले सुनिश्चित कर लिए कि आपके मोबाइल में हॉटस्पॉट ऑन होना चाहिए, वहाँ पर आपके कंप्यूटर में वाईफाई ऑन होना चाहिए। कनेक्ट नहीं करना है, सिर्फ ऑन होना चाहिए। तो देखिए मैं यहाँ पर दूसरा मेथड करके दिखा देता हूँ। देखिए आपको यहाँ पे वाईफाई पे जाना है। वाईफाई पे जाने के बाद आप यहाँ पे वाईफाई से कनेक्ट नहीं करना है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से आपको करके दिखा देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद नेटवर्क एंड इंटरनेट में जाना है आपको। और यहाँ पे देखिए मेरा वाईफाई जो हॉटस्पॉट मोबाइल में इनेबल है वहाँ पर आ गया है। अब उसके बाद नीचे यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में जाना है। एडवांस ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मीटर्ड कनेक्शन यहाँ दिखा रहा है कि आपके पास अधिक डेटा है तो आप मीटर कनेक्शन को ऑन कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास लिमिटेड डाटा है तो इसको मैं ऑन कर देता हूं। अगर लिमिटेड डाटा नहीं रहता तो ऑफ कर देता है। तो मेरे पास डाटा को बचाना है इसलिए मैं इसको मीटर कनेक्शन को ऑन कर देता हूं। अब देखिए तो मैं यहां ऑन कर दिया। अब तीसरा मेथड को यहां फॉलो करना है। तो देखिए मैं यहां तीसरा मेथड फॉलो करके दिखा देता हूं। तो देखिए मैं यहां पे तीसरा मेथड यहां पे पढ़ लीजिए कि लाइव टाइटल्स का मेथड है, यानी जो लाइव टाइटल विंडोज 7, 8 या 10 में आता है। तो आप इसी तरह इन सभी लाइव टाइटल्स को ऑफ करके आप अपने कंप्यूटर के डेटा को बहुत हद तक बचा सकते हैं। तो सभी को यहाँ आपको ऑफ करके रखना है। तो चलिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर में जब नेट चलाते हैं तो उसका कनेक्शन स्पीड कितना है, यानी कितना स्पीड से आपका कंप्यूटर में नेट चल रहा है उसको कैसे जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और साथ में बेल आइकन को दबाना होगा, तब ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूं तो आपके पास हो जाए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।